हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में आप लेके आया हूँ कमाल की गर्मा गर्म टेक न्यूज। तो दोस्तों, टेक न्यूज शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी है, यहाँ पर नए प्लान्स जो जियो की तरफ रिवील किए गए हैं वर्क फ्रॉम होम प्लान, तो जल्दी से जाकर मेरे इस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर कल के पोल के बारे में, तो मैंने आपसे पूछा था पोल में कि आप कितनी देर बिना स्मार्टफोन के इस लॉकडाउन में रह सकते हो। तो दोस्तों, वहाँ पर 4 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और 4 में से दोस्तों 2 लोगों का कहना है कि मैं सिर्फ यहाँ पर 1 घंटे बिना स्मार्टफोन के रह सकता हूँ। दोस्तों, वहाँ पर 1 लोगों ने कहा कि मैं यहाँ पर सिर्फ 12 घंटे बिना स्मार्टफोन के रह सकता हूँ। और वहाँ पर दोस्तों 1 लोगों का ये भी कहना है कि मैं 24 घंटे बिना स्मार्टफोन के रह सकता हूँ। मतलब कैसे बिना स्मार्टफोन के वो बंदा 24 घंटे रह सकता है। खैर दोस्तों, फिलहाल अभी यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है टिकटॉकर वर्सेज यूट्यूबर्स, काफ़ी ज़्यादा रोस्टिंग की जा रही है यूट्यूबर्स के द्वारा टिकटॉकर्स की। तो दोस्तों, मुझे आप ऊपर पोल में बताइए कि हु इज़ द बेस्ट, कौन बेस्ट है यूट्यूबर और टिकटॉकर। तो मुझे ज़रूर ऊपर दिए गए पोल में आप बताइएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज की गर्मा गर्म टेक्निक शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ जो सबसे पहला अपडेट निकल के आता है वो दोस्तों यहाँ पर निकल के आता है iPhone SE 2020 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, फाइनली इसकी सेल की कुछ डिटेल्स यहाँ पर निकल के आई, जहाँ ये कहा जा रहा है कि जो ये iPhone SE 2020 होने वाला है, ये दोस्तों यहाँ पर बेचा जाएगा फ्लिपकार्ट के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, इसकी सेल जो स्टार्ट होने वाली है वो यहाँ पर फ्लिपकार्ट के थ्रू स्टार्ट की जाएगी। हालांकि इसको दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ इसकी कुछ और डिटेल्स, यहाँ प्राइसिंग की डिटेल निकल के आई है। ये कहा जा रहा है कि जो 128 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग आपको यहाँ पर मिलने वाली है 47,800, और जो यहाँ पर 256 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है उसकी दोस्तों आपको प्राइसिंग मिलने वाली है 58,300। अभी फिलहाल दोस्तों यहाँ पर कुछ टीजर्स लीक होकर निकल के आए हैं यहाँ पर फ्लिपकार्ट पर, और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ भी कोई क्लियर डेट नहीं है कि कब तक आपको यहाँ पर ये मिलने वाला है। पर मैं आपको बता दूं कि इसकी सेल स्टार्ट होगी, यहाँ पर सिर्फ डिलीवरी दी जाएगी ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन वाले जो भी इस एरिया में बिलोंग करते हैं। तो अगर आपका एरिया आता है ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में, तो आप इसके लिए यहाँ पर बुकिंग कर सकते हो। फिलहाल डेट नहीं क्लियर है कि कब तक इसकी बुकिंग यहाँ पर स्टार्ट होगी, कब तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, पर यह क्लियर है कि बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर ये देखने को मिलने वाला है। तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप लोग कितने लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे इस iPhone SE 2020 का, तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, बहुत सारे रूमर्स के बाद, बहुत सारे टीजर्स के बाद पोको की ऑफिशियली लॉन्चिंग डेट कन्फर्म हो चुकी है पोको की तरफ से ऑफिशियली, जो कि रखी गई है यहाँ पर दोस्तों 12th of May को आपको ये ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाएगा ग्लोबली। पर दोस्तों यहाँ पर उसके कुछ टीजर्स और लीक होकर निकल के आए हैं, जहाँ ये कहा जा रहा है कि जो पोको का ये F2 होने वाला है, ये दोस्तों आपको यहाँ पर मिलने वाला है इसमें 865 का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन वाला प्रोसेसर, आपको यहाँ पर ट्रू ब्रेजललेस आपको देखने को मिलने वाला है, यानी जो आपको स्क्रीन मिलने वाली है वो आपको काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन आपको इसमें देखने को मिलने वाली है। वहीं दोस्तों इसमें आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है, आपको यहाँ पर रेयर में क्वाड कोर सेटअप भी आपको देखने को मिल सकता है, जो कि दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर Redmi K30 की तरह ही बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। पर क्या ये वाकई में रीब्रांड वर्जन होने वाला है K30 का कि नहीं दोस्तों, अभी फिलहाल कोई डिटेल्स वगैरह नहीं है, पर यहाँ पर कुछ इसकी डिटेल्स इसी तरीके से लीक होकर निकल के आई है। खैर दोस्तों, देखते हैं जब ये ऑफिशियली यहाँ पर ग्लोबली लॉन्च होता है Poco F2, तो क्या वाकई में जो टीजर्स हैं वो होते हैं या कुछ और आपको यहाँ पर नया देखने को मिलने वाला है। तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप लोग कितने लोग यहाँ पर पोको के स्मार्टफोन का वेट कर रहे थे जो यहाँ पर 12th May को लॉन्च होने वाला है। दोस्तों, यहाँ जो अगला अपडेट निकल के आता है वो दोस्तों यहाँ पर निकल के आता है एप्पल के एयरपॉड्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप सबको सबसे पहले मैं बता दूँ कि एप्पल के एयरपॉड का प्रोडक्शन दोस्तों किया जाता था चाइना में। फिलहाल दोस्तों एक रिपोर्ट के थ्रू ये खबर निकल के आ रही, जहाँ ये कहा जा रहा है कि एप्पल यहाँ पर अपने प्रोडक्शन को, जो एयरपॉड्स का प्रोडक्शन था चाइना से, उसको अब वहाँ से निकाल रहा है, यानी अब इसका प्रोडक्शन चाइना में आपको नहीं देखने को मिलने वाला है। ये एक ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा सीरियस रिपोर्ट है यहाँ पर दोस्तों। अब वाकई में क्या एप्पल इस चीज़ को हटा रहा है, क्या प्रोडक्शन अब बंद कर देगा चाइना से? तो दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि जो कदम उठाया जा रहा है वो कोरोना वायरस को लेकर उठाया जा रहा हो, क्योंकि दोस्तों आप सब ये जानते हो कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन सबसे पहले स्टार्ट हुआ था चाइना से, और वहीं से इसका स्प्रेड चालू हुआ था पूरे कंट्रीज़ में, पूरे वर्ल्ड में। तो क्या वाकई में इस चीज़ को देखकर यहाँ पर एप्पल ये कदम उठा रहा है, एप्पल एयरपॉड प्रोडक्शन को बंद कर रहा है चाइना में, कि कुछ और? तो दोस्तों ये एक रिपोर्ट है, देखते हैं क्या वाकई में अब आपको यहाँ पर एप्पल के एयरपॉड्स चाइना में बनते हुए नहीं दिखाई देंगे। दोस्तों, यहाँ जो अगला अपडेट निकल के आता है वो दोस्तों यहाँ पर निकल के आता है सैमसंग को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक रिपोर्ट निकल के आ रही, जहाँ ये कहा जा रहा है कि सैमसंग एक बहुत बड़ा ब्रांड है, टॉप ब्रांड है इंडिया में प्रीमियम फ़ोन्स को लेकर। दोस्तों, इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा हब है यहाँ पर कंपनीज़ को, चाहे रियलमी हो, शाओमी हो, वीवो हो, ओप्पो हो, एप्पल हो, बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को लाकर बेचती हैं, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है।
वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं सैमसंग उन सभी में यहाँ पर टॉप पर है। ये इंडिया में एक प्रीमियम फोन्स के रेंज में सबसे टॉप पर ब्रांड है। अब आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप कौन से कंपनी का यहाँ पर स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, आप रेगुलरली आपके पास आपके घरों में सबसे ज़्यादा किस कंपनी के स्मार्टफोन यहाँ पर यूज़ होते हैं। दोस्तों यहाँ जो अगला अपडेट निकल के आता है वो दोस्तों यहाँ पर निकल के आता है रेडमी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रेडमी की तरफ से खबर निकल के आ रही है जहाँ ये कहा जा रहा है कि आपको बहुत जल्द रेडमी की तरफ से एक और नया स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर होने वाला है Redmi 9। जी हाँ दोस्तों, इसको यहाँ पर लिस्ट कर दिया गया है 3C सर्टिफिकेशन एक साइट्स पर, जहाँ पर यह रिपोर्ट निकल के आई जहाँ इसमें आपको देखने को मिल सकता है 10 वाट का फास्ट चार्जिंग इसमें आपको देखने को मिल सकता है, क्वाड कोप सेटअप आपको यहाँ पर रियर में देखने को मिल सकता है। ये कुछ टीजर्स हैं दोस्तों, ये यहाँ पर लिस्ट किया गया है 3C सर्टिफिकेशन साइट पर। फिलहाल यही कुछ अपडेट्स हैं यहाँ पर इस स्मार्टफोन के बारे में। देखते हैं कब तक आपको ये नया स्मार्टफोन रेडमी की तरफ से देखने को मिलने वाला है और किस स्पेसिफिकेशन किस नए प्राइजिंग के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जो अगला अपडेट निकल के आता है वो दोस्तों यहाँ पर निकल के आता है माई गवर्नमेंट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सबको बता दूँ कि माई गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल अकाउंट क्रिएट किया है लाइकी ऐप पर, जिसके थ्रू दोस्तों यहाँ पर ये आपको जानकारी देने वाला है आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने के लिए, इसको प्रमोट करने वाला है और यहाँ पर आपको कोरोना वायरस से जुड़ी और बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो अगर आप सब यहाँ पर लाइकी ऐप को यूज़ करते हो, कोरोना वायरस से जुड़ी अपडेट जानना चाहते हो, तो आप लाइकी ऐप पर जाकर @MyGOV India को फॉलो कर सकते हो। तो ये एक ऑफिशियल अकाउंट है यहाँ पर MyGOV India का। दोस्तों यहाँ जो अगला अपडेट निकल के आता है वो दोस्तों यहाँ पर निकल के आता है OnePlus की तरफ से। आप सबको पता है कि पिछले महीने OnePlus 8 सीरीज़ को लॉन्च किया गया था, जहाँ पर दोस्तों साथ साथ में OnePlus के बुलेट जेट वायरलेस ईयरफोन्स को भी लॉन्च किया गया था। जी हाँ दोस्तों, अब मैं बता दूँ अगर आप सब यहाँ पर इंटरेस्टेड हो OnePlus के इस ईयरफोन में, तो आप इसको परचेस कर सकते हो यहाँ पर 10 मई से, जिसकी सेल यहाँ पर स्टार्ट की जाएगी Flipkart के थ्रू, जिसके थ्रू आप जाकर ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी सेल अभी जो यहाँ पर डिलीवरी दी जाएगी वो यहाँ पर आप सबको मैं बता दूं दी जाएगी सिर्फ ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन वाले को, यानी अगर आप सबका एरिया इन जोन्स में आता है और अगर आप सब इंटरेस्टेड हो यहाँ पर इस नए वायरलेस बुलेट के वायरलेस जेट ईयरफोन्स में, तो आप ऑनलाइन जाकर फ्लिपकार्ट के थ्रू 10 मई के बाद इसका ऑर्डर दे सकते हो, जिसकी प्राइसिंग दोस्तों यहाँ पर रखी गई है 1999, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक इफेक्टिव काफ़ी ज़्यादा कमाल की प्राइसिंग यहाँ पर रखी गई है OnePlus की तरफ से। दोस्तों यहाँ जो अगला अपडेट निकल के आता है वो दोस्तों यहाँ पर निकल के आता है Realme की तरफ से। दोस्तों जैसा मैंने आपको पिछली टेक न्यूज़ में बताया था कि Realme की तरफ से यहाँ पर बहुत जल्द आपको Realme का एक नया स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है, वो होने वाला है दोस्तों Realme X3 Super Zoom, जिसमें दोस्तों आपको 60x तक का यहाँ पर जूमिंग सपोर्ट दिया जा सकता है। वो दोस्तों फिलहाल एक टीजर था, पर दोस्तों आज मैं आपको बता दूँ यहाँ पर ये कन्फर्म कर दिया गया है Realme के तरफ से, Realme के CEO जो है माधव सेठ के तरफ से, उनके तरफ से ये रिपोर्ट ट्विटर पर कह दी गई है कि जो यहाँ पर आपको Realme X3 मिलने वाला है उसमें आपको यहाँ पर मिल सकता है 60x का जूम, ये कन्फर्म हो चुका है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर एक फ़ोटो भी शेयर किया गया है यहाँ पर माधव सेठ जी की तरफ से। तो अगर आप सब यहाँ पर वेट कर रहे थे तो बहुत जल्द आपको यहाँ पर मैं बता दूँ Realme X3 Super Zoom देखने को मिल सकता है। तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि क्या आप सब इंटरेस्टेड हो यहाँ पर Realme X3 में, जिसमें आपको 60x तक का जूम दिया जा रहा है, तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ कमाल के गर्मा गर्म टेक न्यूज़। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।